राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और चाय के 5 बज चुके हैं, तो अभी बना रहे हैं सीमा के लिए चाय, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसे ही है। और चाय के साथ उनको ब्रेड दे देंगे। वैसे तो जो उनकी तबीयत है वो लगभग 1 महीने से ही ऐसे चल रही है, अप डाउन अप डाउन। फिर भी ऐसे था कि थोड़ा सा उनको हौसला दिया जाता, और खाना तो वो कई दिन से नहीं खा रहे। कभी एक रोटी खाती थी, कभी आधी रोटी खाती थी सारे दिन में ही, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए तो उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का भोजन हो जाएगा, ब्रेड या बिस्कुट दे दिया जाएगा उनको, ताकि उनके पेट में कुछ पड़ जाए। बाकी समझ सकते हो आप उनकी सिचुएशन, जो व्यक्ति करता है और उसी को कुछ सुनने को मिले तो उसके मन पर क्या बीतती है। और उनको गोली दवाई देनी भी ज़रूरी है, तो कुछ खा पी कर ही गोली दवाई उनको दी जाएगी, ताकि उनकी जो सेहत है उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। आप लोगों के बहुत से फ़ोन और मैसेज लगातार आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उन सब का भी रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है। 3 बजे के आसपास मैं स्कूल से आता हूँ, और जैसे मिलने आ रहे हैं जिन जिन को पता है लगातार। तो मेरी माँ की तबीयत भी कुछ ख़राब ही है, उस दिन से तो ज़्यादा ही ख़राब है। तो कुछ मेरी माँ करती है काम, कुछ मैं करता हूँ, और फिर जो मिलने आते हैं उनके पास बैठना भी पड़ता है। यदि नहीं बैठे हैं तो फिर वही सोचने लग जाएं, भई हम इतनी दूर से आए हैं और हमारे पास कोई बैठा भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर चाय बनकर हो गई है तैयार, और इसमें 3-4 उबाल भी आ लिए। बाकी मन्ना तो बहुत मुश्किल हो जाए चाय बनानी, फिर भी के करा मजबूरी है, बनानी पड़ा है। और ये बिजनेस बंद करके डाल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं चाय ले आया प्रधान जी के लिए, और ब्रेड रख दिए हैं, ऐसे है थोड़ा बहुत ब्रेड खाओगी तो ले। तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि इनकी जो कलेजे में घबराहट है वो ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे आप भी मोटिवेट करो, और जो मिलने आ रहे हैं वो भी मोटिवेट कर रहे हैं भाई, ताकि इनकी जो घबराहट है वो दूर हो सके। बस धीरे धीरे आराम हो जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो लाइव थी वो प्राइवेट क्यों कर दी, तो उनका जवाब है क्योंकि उस समय जिसने भी हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में, या जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने लाइव देखी, तो उन सभी का बहुत बुरा हाल था, रो रो के, और कोई भी उस रात सो नहीं पाया, तो इसलिए वो लाइव प्राइवेट करनी पड़ी हमें। जिसने भी लाइव देखी तो दूर दूर से उसी समय फ़ोन आने लग गए कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए हमने वो जो लाइव थी वो प्राइवेट करनी पड़ी। और डर वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया आज तक कि डर लगे, तो डर वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और हम उन लोगों का तो बोलने में मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीमा तो उनकी वीडियो देख ही नहीं सकती, कोई भी नहीं देख सकता जो व्यक्ति सोचने वाला है। तो कुछ शर्म भी होती है, कुछ परिवार का भी होता है, और हमारे परिवार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए शायद इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में बात घूमती रहें
तो उनकी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। अब इनको दवाई देने का समय हो गया है, क्योंकि कई प्रकार की दवाइयाँ देनी होती हैं और जो दवाई है वो थोड़े थोड़े गैप में देनी पड़ती है। फ़ोन आ रहे हैं लगातार कि इनको वहाँ लेके जाओ। जो हाथ पैर की दिक्कत थी तो गर्दन में पेन होने के कारण और स्ट्रेस होने के कारण वो दिक्कत बढ़ गई थी, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे इनको आराम हो रहा है। आज भी फ़ोन आया था भाई रोहतक के पास जो गांव है गिरावड़, वहाँ से देसी दवाई दिलाने के लिए, तो धीरे धीरे इनको आराम हो जाएगा और कुछ दिन अब फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी ताकि जो सर्वाइकल है या हाथ पैर का दर्द है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए। कई दिन की प्रैक्टिस है ये और लगातार करवाना पड़ेगा ये उपचार ताकि आगे भविष्य में भी इनको इस प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो अब दवाई पानी ले लेंगे और यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आप एक बार फिर से दुआ करें सीमा के लिए।